तो उस दिशा में भी हमारा काम आगे बढ़ गया है। 2800 नवीन पद की स्वीकृति, सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग के 975 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके निर्देश पर पहली बार भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ में तृतीय लिंग समुदाय के लोगों को पुलिस में भर्ती का अवसर मिला और राज्य गठन के 19 वर्ष बाद हमारे पुलिस विभाग को प्रतीक चिन्ह भी आपके सहृदयता के कारण मिला। ये भी हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। पुलिस आवास योजना के तहत विभिन्न जिलों में अधिकारी कर्मचारियों के लिए आवास गृह का निर्माण किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि आप सबसे भी कहना चाहूँगा पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से कि जैसा कि मैंने पहली बार सरकार बनने पर कहा था कि आपका हमारा काम ऐसा हो कि आम जनता के मन में पुलिस के लिए सम्मान और अपराधियों के मन में भय, ये हमारा मूल नारा होना चाहिए। और अर्धसैनिक बल और हमारी पुलिस विभाग टीम के रूप में काम करके नक्सली मूवमेंट को भी समाप्त करने में कामयाब होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग अपने पुलिस विभाग में कुछ परिवर्तन, जैसे कि हम लोग लैब में नए सिरे से और थोड़ा सा देखना चाहते हैं। फोरेंसिक लैब की बात हो चाहे नार्कोटेक्स की बात हो, उधर भी हम लोग अपने यहाँ उस सुविधाओं को लागू करना चाहते हैं ताकि दूसरे प्रांतों पर हम निर्भर न रहे और हमें जल्दी उसका परिणाम आए। तो आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का पुलिस परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, नए साल की बधाई देता हूँ और आप सबको भी नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस उम्मीद और आशा के साथ कि छत्तीसगढ़ की जनता जो चाहती है, छत्तीसगढ़ की सरकार जो चाहती है, हमारे मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं, उसके अनुरूप आप सब हम सब काम करने में इस नए वर्ष 2022 में सफल होंगे और उपलब्धियां हासिल करेंगे। पूरी पूर्ण बधाई के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री महोदय। और अब बारी है उस क्षण की जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। आज नौ वर्ष के इस सुनहरी धूप भरी और गुनगुने धूप के साथ एक हल्की सी ठंडक लिए सुबह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सभी से मुखातिब होंगे, आप सभी से बातचीत करेंगे। तो चलिए हम माइक सौंपते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। आज के कार्यक्रम में उपस्थित गृहमंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, सीएस अफ्ताब जैन जी, एसीएस सुब्रत साहू जी, डीजी अशोक जुनेजा जी और सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी हमारे सुरक्षा बल से जुड़े हुए सभी साथीगण, नववर्ष के बहुत बहुत बधाई। पिछले वर्ष किसी कारण नहीं मिल पाए थे, आप सबको पता है कोरोना के कारण से उसके पहले मिले थे। इस वर्ष फिर से वो अवसर आया है कि हम सब एक जगह उपस्थित एकत्रित हुए हैं नए साल में। देश में हम सब के बीच में एक नारा बहुत प्रसिद्ध, जय जवान जय किसान। आज छत्तीसगढ़ में जवानों और किसानों दोनों की जय जयकार हो रही है। मैं इसके लिए जवानों की भी बधाई देता हूं और किसानों की भी बधाई देता हूं। आदरणीय साथियों, के 2019 तो ठीक रहा, 20 और 21 कोरोना के संकट से हम जूझे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि 2022 सबके लिए सुखद हो, आरोग्यता लेते हुए आए, समृद्धि और उत्साह लेके आए, ये आपको और आपके परिवार को के लिए मैं कामना करता हूं। हमारे जवान सुरक्षा में लगे रहते हैं, खिचुड़ती ठंड में गश्त करते हैं, तब जाके हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। चाहे गर्मी हो, बरसात हो,
हर परिस्थिति में आप अपने ड्यूटी में तैनात रहते हैं। विशेषकर कोरोना का उल्लेख मैं करना चाहूंगा। कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारे अधिकारियों ने, जवानों ने जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, एक नई मिसाल पेश की कि छत्तीसगढ़ में दूसरे प्रदेश के आने वाले लोग सड़कों पे पैदल नहीं, बल्कि उनके जाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी, उनके चाय पानी के लिए व्यवस्था की जाएगी, भोजन की व्यवस्था की जाएगी, और तो और उनके लिए चप्पल की भी व्यवस्था की गई, जूते की व्यवस्था की गई। और ये पूरे देश में और कहीं नहीं हुआ, केवल छत्तीसगढ़ में हुआ है। और इसके लिए मैं पूरे पुलिस परिवार को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने जिस प्रकार से कोरोना काल में एक गार्जियन की भूमिका, सारे लोगों के विश्वास था कि छत्तीसगढ़ पुलिस हमारे सहयोग के लिए है, हर परिस्थिति में हमें साथ देगी, और उन्होंने ये करके दिखाया। और न केवल अपने प्रदेश के लोगों को, बल्कि दूसरे प्रदेश के आने वाले लोगों को भी ये विश्वास था कि हम छत्तीसगढ़ के सीमा में पहुंचेंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ के जवान हमको अपने राज्य की सीमा तक छोड़ देगी। ये विश्वास हासिल आपने किया है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत कीमती चीज आपने प्राप्त की है आपकी मेहनत से, आपके लगन से, आपकी निष्ठा से। इसके लिए फिर से मैं आपको बधाई देता हूं। आदरणीय साथियों, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जहां हम लोगों को चुनौती मिली, चुनौती को स्वीकार किया और उसे उसमें सफलता भी पाई, चाहे वो बिलासपुर के बच्चे का अपहरण की बात हो, चाहे दुर्ग में अपहरण की बात हो, चाहे रायपुर के उद्योगपति का अपहरण की बात हो, अपराधियों के मांद में घुसकर वहां से सुरक्षित, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो व्यापारी हो, उद्योगपति हो, उसको निकाल के ले आना कोई साधारण बात नहीं थी, जिसको हमारे अधिकारियों ने, जवानों ने कर दिखाया। अभी जिस प्रकार से तत्कालीन जो घटना घटी और उसमें गाली चरण को जिस प्रकार से खजुराहो से पकड़ के लाया, मैं बिल्कुल बहुत बधाई देता हूँ जवानों को जिन्होंने ये कर दिखाया है। अधिकारियों को भी बधाई देता हूँ और जवानों को भी बधाई देता हूँ। पूरे देश में हड़कंप मच गया था कि आखिर ये कैसे हो गया। उसके साथ तो खड़े नहीं दिखे, लेकिन प्रक्रिया के बारे में उंगली उठाए, लेकिन उन लोगों को मात की खानी पड़ी। ये हमारे अधिकारियों की सफल रणनीति और हमारे जवानों के कुशलता के कारण से संभव हो पाया। पूरे देश देख रहा था, पूरे नेशनल मीडिया लगा हुआ था कि आखिर ये गाली दे के चला गया, इसके FIR दर्ज होता है कि नहीं होता है, FIR दर्ज हो गया तो धाराएं लगेगी कि नहीं लगेगी, धाराएं लग गई तो गिरफ्तारी होगा कि नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से हमारे पुलिस विभाग ने, हमारे जवानों ने, अधिकारियों ने जो कर दिखाया है, पूरे देश भौचक होकर देख रहा था और प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहा था कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने कर दिखाया है। जबकि अभी वही घटना उत्तराखंड में हुई और अभी तक के वो लोग प्रक्रिया में उलझे हुए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ पुलिस ने न केवल अपराध पंजीबद्ध कर दिया, बल्कि अपराधी को सीखचों के पीछे भेजने में सफलता पाई है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में पुलिस को NCERB नई दिल्ली द्वारा फोरेंसिक में बेहतर क्रियान्वयन के लिए देश में दूसरा स्थान मिला है। मैं उनके लिए भी बधाई देता हूँ। थर्ड जेंडर के बारे में हमारे गृह मंत्री जी ने बात की, पूरे देश में हमारा राज्य अव्वल है जिसमें थर्ड जेंडर को भी पुलिस में नौकरी मिली। अंत में जो प्रदेश के बारे में हमेशा चर्चा में ये बात होती थी, कभी बाहर जाओ या बाहर के कोई मेहमान आए या पत्रकार मिले तो सबसे पहला सवाल उनके नक्सली के बारे में होता।
रायपुर एयरपोर्ट में उतरे नहीं, रायपुर के रेलवे स्टेशन में उतरे नहीं कि हमको नक्सली धरा पहुंचेगा। वो छवि 3 सालों में हमने बदली है, जो विश्वास, विकास और सुरक्षा इस त्रिवेणी के माध्यम से वहां के लोगों के, वहां के जो वनवासी हैं, जो परंपरागत निवासी हैं, व्यापारी हैं, वहां के जवान हैं, वहां के पत्रकार हैं, वहां के व्यापारी हैं, सबका विश्वास हम लोगों ने जीता। और उसका सुखद परिणाम ये रहा कि अब लोग विकास के ओर बड़ी उम्मीद भरी निगाह देख रहे हैं कि हमारे गांव भी ट्यूबवेल लगेगा, हमारे यहाँ सोलर पैनल लगेगा, हमारे यहाँ पीडीएस साफ खुलेगा, हमारे यहाँ भी स्कूल संचालित होगी, हमारे यहाँ भी हॉस्पिटल खुलेंगे, हमारे यहाँ सड़कें बनेगी, हमारे यहाँ रोजगार के अवसर मिलेंगे, हमारे यहाँ भी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। और मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है और संतोष भी है कि हमारे जवानों ने अपने जान जोखिम में डालकर इस सब काम को किया और आज विश्वास जीतने में हमें सफलता मिल रही है। और इसके लिए मैं पुनः जितने भी हमारे अधिकारी और जवान नक्सल क्षेत्र में पदस्थ हैं उनको सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। नक्सली समस्या केवल लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है, बल्कि एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या भी है। हमने सबको एड्रेस किया, जहां कैंप खुलने थे हमने खोले। आप सबको पता है 3 साल पहले आप बफर जोन में बहुत सारे कैंप खोले थे, लेकिन अब उसके कोर सेक्टर में जाकर, उसके घर मांद में जाकर जो आप हमारे कैंप खुले हैं, उसके कारण से भी नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं। और उसके साथ साथ वहां विकास के कार्य, जो वहां के जो लोगों की अपेक्षाएं थी, उससे जिला प्रशासन से मिलकर, पुलिस और दूसरे वन विभाग से मिलकर, शिक्षा विभाग हो चाहे और अन्य विभाग हो, सबसे मिलकर वहां विकास के जो किरण वहां आप लोगों ने पहुंचाई है, आपके माध्यम से वहां तक पहुंचा है। इस कारण से भी अब लोग पुलिस को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि अपना संरक्षक, अपने सुरक्षा का एक आदर्श मानते हुए लोग अब आपसे दोस्ती भी कर रहे हैं आपके साथ। आप उसके शिक्षक भी बन रहे हैं, उसके मित्र भी बन रहे हैं, उसके आप डॉक्टर भी बन रहे हैं, आप मास्टर भी बन रहे हैं, आप उनके लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि वहां के वनवासी लोग भी अब पुलिस को दुश्मन नहीं बल्कि मित्र समझने लगे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है और इसी को और ज्यादा तेजी से, जितना तेजी से बढ़ाएंगे उतना ही नक्सली और सिमटते जाएंगे। कभी राष्ट्रीय राजमार्ग के 5 किलोमीटर दाएं और बाएं में ही शासन की धमक सुनाई देती थी, अब तो सुकमा के केवल सिलगेर के इलाका आप छोड़ दें तो पूरा सुकमा अब नक्सलियों से खाली हो गया। कोई दरभा घाटी से नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पाता था, अब कोंटा आसानी से चले जाते हैं, आ जाते हैं, चले जाते हैं। बीजापुर का कुछ इलाका है और कुछ आप मांड का एरिया देखेंगे, उसी में सिमट के रह गया। अब तो पुल भी बने हैं, लोगों का आवागमन भी शुरू हो गया, पट्टा वितरण भी शुरू हो गया, तो निश्चित रूप से कांकेर की तरफ से भी घिरते जा रहा है और बीजापुर की तरफ से घिरते जा रहा है। मांड का एरिया, मांड का एरिया है, वही रह जाएगा। तो उसके लिए भी आप लोगों को अलग से रणनीति बना के काम करने होंगे ताकि समूल नष्ट हो, बिना खून बहाए लोगों के विश्वास जीत के नक्सलियों के समापन हो, यही इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं। आप सबको, आपके परिवार को नववर्ष के बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब बारी है, ये जवान काफी समय से इंतजार कर रहे हैं आपसे रूबरू होने का। माइक आपके पास है, कॉर्डलेस, कृपया चर्चा आरंभ करें। बस बंद करवा रहा हूँ।